विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में भगवान श्री राम ने चिंतामण की स्थापना की थी। चिंतामण गणेश के मंदिर में 13 दिसंबर को अगन शुक्ल प्रतिपदा से पाती के लग्न लिखे जाएंगे। इस बार विवाह मुहूर्त कम होने से देश भर से लोग पाती के लग्न लिखवाने के लिए मंदिर में संपर्क में लगे हुए हैं। मंदिर में पुजारी परिवार वंश परंपरा से पाती के लग्न लिखते हैं। पंडित शंकर पुजारी ने बताया कि देव प्रबोधिनी एकादशी के बाद शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कई बार ज्योतिष गणना के अनुसार जिन परिवारों में विवाह के आयोजन होना है वे युवक युवतियों की जन्म पत्रिका के अनुसार मुहूर्त निकलवा रहे हैं। युवक युवतियों के विवाह मुहूर्त नहीं निकलते हैं लेकिन परिवार के लोग विवाह करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि युवक युवती अपने जन्मदिन या किसी खास तारीख पर विवाह करना चाहते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। चिंतामण गणेश मंदिर में इसे लोगों के लिए पाती के लग्न लिखने की परंपरा है। इसमें किसी भी प्रकार के मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। उज्जैन में भगवान चिंतामण गणेश को अतिशात्र मानकर लड़की के परिवार की ओर से लड़के के परिवार वालों को विवाह के लिए पाती की लग्न लिख दी जाती है। यजमान जिस तारीख को विवाह करना चाहते हैं उस दिन की पाती लिखकर भगवान चिंतामण गणेश के चरणों में रखकर यजमान को सौंप देते हैं। भगवान भक्तों के कारज सिद्ध कराते हैं। नवयुगल जोड़ों की भीड़ लगती है। आज का युवा भले ही सोशल मीडिया पर सक्रिय हो और भविष्य के ताने बाने आधुनिक तरीकों से बुन रहा हो लेकिन फिर भी गणेश जी व धर्म के प्रति उसकी आस्था बरकरार है। शादी की लग्न लिखवाने के लिए युवा ही परिवारों पर दबाव डाल रहे हैं। चिंतामण गणेश मंदिर में यह शुभ कार्य संपादित कराया जाए यही कारण है कि मंदिर में भारी भीड़ नव युगल की देखी जा सकती है। इससे पाती के लग्न लिखवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। शंकर पुजारी ने बताया कि हम लोग वंश परंपरा से पाती के लग्न लिखते आ रहे हैं। पाती के लग्न लिखने में उजाली अर्थात शुक्ल पक्ष का विशेष महत्व रहता है। प्रतिमा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक पाती के लग्न लिखे जाते हैं। यहाँ भगवान श्री चिंतामण गणेश जी का स्थान है। भगवान गणपति जी यहाँ साक्षात विद्यमान है। इसी के दिनती है कि भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी द्वारा स्वयं यहाँ भगवान का पूजन किया गया है, इसलिए ये बड़ा चैतन्य मंदिर है। यहाँ मन की चिंताएं दूर होती है, इच्छाएं पूर्ण होती है, कार्य सिद्ध होते हैं। प्रतिवर्ष हजारों यहाँ शादी विवाह होते हैं मंदिर में भी और बाहर भी। मालवा प्रांत में विशेष करके महत्व है कि भगवान गणपति जी को प्रथम निमंत्रण दिया जाता है। कोई भी कार्य करें तो सर्वप्रथम अग्र पूजा गणपति की होती है। उसी के विधान के अनुसार सर्वप्रथम भगवान गणपति जी को विवाह के लिए निमंत्रण देने आते हैं और विशेष करके यहाँ पर चैत्र वैशाख में विशेष पाती के लग्न का विधान है। यहाँ पर जिनका विवाह लग्न से नहीं निकलता है, जिनका टाइम रहता है कि एक साल दो साल बाद विवाह करना है, उनका लग्न से निकलता है, तो वो यहाँ से पाती ले जाते हैं। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करके पाती लेके जाते हैं कि उनका विवाह कार्य नव दंपत्य जीवन निर्विघ्नता से चलता रहे। यहाँ पाती लिखाई जाती है शुक्ल पक्ष की प्रथम प्रतिपदा से पूर्णिमा तक। 15 दिन पाती दी जाती है। पाती ले जाके यहाँ वो भगवान गणेश जी का नाम लेके विवाह संपन्न करते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद पुनः यहाँ पाती भगवान गणेश जी के चरणों में अर्पण की जाती है और जोड़े से नव दंपत्य दोनों जोड़े से आके यहाँ भगवान का पूजन अभिषेक करते हैं। खाचरौद नगर में कुछ दिन पूर्व शातिर चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया था। शातिर चोरों ने नगर के गुरु नानक मार्ग रावला स्थित एक मकान से 1.5 लाख की नकदी सहित तकरीबन 4 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किया था। फरियादिया की शिकायत पर शातिर चोरों को पकड़ने हेतु पुलिस द्वारा टीम गठित कर तलाशी अभियान के दौरान राजस्थान के उदयपुर भोपाल आदि स्थानों से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपियों द्वारा चोरी करना स्वीकार किया गया। चोर गिरोह द्वारा चोरी किया गया माल 60 फीट पानी से भरी बावड़ी कब्रिस्तान में छुपा रखा था जिसे पुलिस ने आरोपियों से बरामद कर लिया है। पूरे मामले का एडिशनल एसपी नितेश भार्गव प्रेस वार्ता कर खुलासा करने पहुंचे। ये 6 दिसंबर को एक सोने मकान में चोरी की गई थी जिसकी हम लोगों ने तत्काल रिपोर्ट पंजीबद्ध करके संज्ञान लिया गया। इसमें हमारे खाचरौद की टीम ने एसडीपी खाचरौद टीए खाचरौद ने लगातार जो है 3-4 दिन की सघन मेहनत की और हम लोगों ने एक अच्छे सुगठित गैंग का जो पर्दाफाश किया है। इस गैंग के ऑपरेशनल जो सदस्य थे सब लोग खाचरौद के थे। 4 लोगों का गैंग था जो माल खरीद कर एक व्यक्ति को बेचते हैं और तत्काल चोरी करने के बाद ये अपना माल जो डिस्पोजल करने के लिए एक बावड़ी में उन्होंने कुछ सोना फेंका है, कब्रिस्तान में कुछ माल गाड़कर छुपाया है
और उसके बाद भोपाल इज्तिमा में और उदयपुर अपने अपने पुराने ठिकानों पर रवाना हुए थे। तो टीम ने टेक्निकल इंटेलिजेंस और इनपुट निकालकर लोकल की मुखबिरी से पता करके लोकल के कैमरे खंगाल कर पूरा इनका रूट ट्रैक किया और उदयपुर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, दूसरा भोपाल इज्तिमा से लिया, बाकी दो लोग यही मिल गए थे हमको। और पूरा माल लगातार अच्छे लंबे इंट्रोगेशन के बाद 90% माल हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। 7.5 लाख की चोरी में 6.5 लाख हम लोग रिकवर कर चुके हैं, जिसमें से बावड़ी में से लगातार 12-14 घंटे मोटर चलने के बाद खाली करवाया गया और वहां से गोल्ड निकाला गया है और कब्रिस्तान से खुदाई करके गोल्ड निकाला गया है। इनके सभी के आपराधिक रिकॉर्ड है, 4-4, 5-5 इनके आपराधिक रिकॉर्ड खाचरो थाने पे है। अभी चूंकि हम लोग प्राइमरी स्टेज में है, इनका पीआर लेने के बाद इनका और भी रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, तो आसपास के जिलों से या थानों से और भी हम रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं, तो जैसा इसमें और भी अगर कुछ पाया जाएगा तो और भी हम आगे खुलासे करेंगे। उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा शहर में अवैध रूप से संचालित की जाने वाली मांस मटन की दुकानों पर गुरुवार से कार्यवाही प्रारंभ की गई। नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह द्वारा कार्रवाई हेतु दल गठित करते हुए प्रत्येक जोन में कार्रवाई संपादित की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को मक्सी रोड फाजलपुरा क्षेत्र के डी गेट क्षेत्र में मांस मटन की दुकानों पर मुनादी करते हुए दुकानों के लाइसेंस, गुमास्ता एवं अनुमति के दस्तावेजों की जानकारियां प्राप्त की जा रही है। साथ ही जिन दुकानदारों द्वारा यह प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई करते हुए दुकानें बंद भी करवाई जा रही है। आज 10 बजे ग्रैंड होटल में स्वास्थ्य विभाग के सभी स्वास्थ्य निरीक्षक, दरोगा साहिबान, मेट साहिबान की एक कंबाइंड मीटिंग बुलाई गई और जनसंपर्क विभाग, अन्य कर के सहायक आयुक्त प्रदीप सेन जी, उनके तीनों टीम लीडर्स के साथ प्लानिंग किया गया। उस क्रम में हम लोगों ने ये किया है कि लगातार अभी से ध्वनि विस्तारक यंत्र से जहाँ जहाँ अवैध इलीगल दुकानें, लोगों को अलर्ट करने के लिए 2 बजे तक लगातार नगर निगम चेतावनी माइक द्वारा जारी करेगा। साथ ही हमारे SI साहिबान अपने अपने प्रभारी HO के माध्यम से 3 बजे तक लिखित रिकॉर्ड बनाएंगे कि कितनी दुकान अनुज्ञप्ति की है, कितनी बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चल रही है। 3 बजे के बाद उन पर नियमानुसार कार्यवाही करके जब्ती की कार्यवाही भी प्रारंभ की जाएगी, जो दिन प्रतिदिन आदरणीय आयुक्त महोदय की समीक्षा बैठक में हम लोग जानकारी साफ को दे सके। सभी धर्म प्रमुखों को नियमों से अवगत कराने के बाद अवहेलना होने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को CM पद की शपथ लेने के साथ ही सत्ता की कमान पूरी तरह से संभाल ली। मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट की हुई पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसी के साथ ही इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यहां धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने, खुले में मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने सहित कई अहम आदेश जारी किए गए। इसका पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही गई। साथ ही आदतन अपराधियों की जमानत निरस्त करने की बात भी कही गई है। CM के पहले आदेश को ध्यान में रखते हुए उज्जैन पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है। धार्मिक स्थलों व अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्र यानी कि लाउड स्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में मीटिंग शुरू कर दी गई है। दिशा निर्देश भी जारी हो गए हैं। उज्जैन एडिशनल SP गुरुप्रसाद पाराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। सभी को आदेश से अवगत करवाया जा रहा है, जो नियम नहीं मानेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित सीमा निर्धारित की गई है दिन के समय में और रात के समय में इंडस्ट्रियल एरिया में, व्यावसायिक क्षेत्र में, रिहायशी क्षेत्र में और प्रतिबंधित जोन में कितने डेसिमल की ध्वनि से आप कोई चीज को चला सकते हैं, दिन के समय में कितने डेसिमल की स्पीड से आप रात में चला सकते हैं, ये निर्धारित कर दिया। यदि इनका पालन नहीं किया जाता है तो IPC के साथ साथ में इसमें मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत एक निर्धारित माप दिया गया है लाउड स्पीकर के उपयोगों को लेके। इस संबंध में जो है जहाँ पर भी इनका उपयोग होता है सभी स्थानों पर जो है मीटिंगें आयोजित की जा रही हैं और उनको इस आदेश के बारे में अवगत कराया जा रहा है।
तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी इस मामले में पता चला है कि रात को पुलिस ने कई धार्मिक स्थलों से प्रशासन ने कार्रवाई की है, जगह से हटाया है। नहीं, अभी इसमें जैसे मैंने बताया एक बार अवगत कराने के बाद में इसमें जो है तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, अभी कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं की पुलिस द्वारा। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव आज बा महाकाल के दरबार में पहुंचे और दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। दर्शन करके भी बहुत ही खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरा दर्शन करने का अनुभव काफी अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि वह स्त्री दो फिल्म की शूटिंग करने इंदौर आए हैं, बाबा के दर्शन के बाद ही शूटिंग की शुरुआत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अब तो बा महाकाल के दरबार में आना जाना लगा ही रहेगा। दर्शन के बाद नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह के द्वारा उन्हें बा महाकाल की फोटो व प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया गया। बहुत टाइम से मन था कि यहाँ पे आके दर्शन करूँ महाकाल की, और बहुत ही आई थिंक सौभाग्यपूर्ण रहा कि आज मौका मिला और महाकाल की कृपा रही कि आज दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए। आई थिंक बहुत ही ज्यादा अच्छा अनुभव रहा और अब तो बार बार आना लगा रहेगा महाकाल की कृपा से। अभी कोई नई मूवी आपकी? अभी हाँ, हम लोग स्त्री 2 की शूटिंग कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हम लोग इंदौर लैंड की, और यही प्लान बनाया कि पहले महाकाल के दर्शन करेंगे और फिर शूटिंग के लिए जाएंगे। जय श्री महाकाल। आज बाबा महाकाल के दरबार में श्री राजकुमार राव जी पधारे थे। बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त करने के बाद में उन्होंने यहाँ पे विशेष पूजन पाठ और अनुष्ठान करा है, जिससे कि बाबा महाकाल के दरबार में आए दिन मुख्य सेलिब्रिटी, मुख्य क्रिकेटर सब आते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। उसी क्रम में वह भी आए थे, बाबा से प्रार्थना की। उनकी नई मूवी जल्दी रिलीज होने वाली है जिसका नाम स्त्री 2 रहेगा, और उसकी सफलता के लिए भी प्रार्थना करी है बाबा महाकाल से, और विशेष प्रसाद लेके बाबा महाकाल के दरबार से वो गए है। बाबा महाकाल से मनोकामना उन्होंने मांगी और उनको आशीर्वाद भी दिया है कि बाबा महाकाल उनको सफलता प्रदान करे और ऐसे प्रसन्नता उनको और उनके परिवार वालों को प्रदान करे। जय श्री महाकाल।